सो गाइस वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मामू द वन एंड ओनली लाल सिंह चड्ढा यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मूवी का क्या सिचुएशन है फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस के ऊपर। मूवी ने कितने कलेक्शंस किए, ऑफिशियल कलेक्शंस कितने आए, पब्लिक ने यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितने दिखाई। जो बड़े बड़े सिटीज थे मुंबई दिल्ली एनसीआर पुणे हैदराबाद भाई बैंगलोर, यहाँ से मूवी को कितनी ऑक्यूपेंसी मिली भाई साहब। क्या इस मूवी को जितनी बातें हो रही थी, जितने इसके प्रमोशंस हुए थे, जिस लेवल की इसको हाइप मिली थी, क्या उस मूवी ने इतना जबरदस्त तरीके से ओपनिंग मारी कि नहीं मारी। तो गाइस आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मूवी की यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी थी लगभग मॉर्निंग के अंदर थी ऑल ओवर इंडिया 11%, आफ्टरनून में बढ़ गई लगभग 17%, इवनिंग में हो गई 29% एंड नाइट में 27%। एंड ओवरऑल अगर बात करते हैं सो गाइस ओवरऑल यहां पे लगभग मूवी को 21% की ऑक्यूपेंसी आई। अगर बात करता हूँ इस मूवी की वर्ड ऑफ माउथ का सिचुएशन, सो गाइस वर्ड ऑफ माउथ का ऐसा है कि लगभग 40% लोगों को मूवी काफी जबरदस्त पसंद आई। वहीं पे अगर देखा जाए 60% कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, कुछ ना कुछ कमियां लग रही है, कुछ ना कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ऐसी भी चीजें हो सकती है। सो 40% लोगों को फिलहाल के टाइम पे मूवी पसंद आ रही है एंड ये रियलिटी है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि गाइज जो बड़े बड़े सिटीज है यहाँ पे मूवी क्या ऑक्यूपेंसी थी, क्या कलेक्शन करते हुए दिखाई दे। सो वहां पर बता देता हूँ सबसे पहले कि मुंबई में लगभग मूवी को 804 शोज मिले थे जिसके अंदर 18.50% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी। दिल्ली एनसीआर में लगभग इसको 929 शोज मिले थे जिसके अंदर 27% की ऑक्यूपेंसी थी। पुणे में लगभग इसको 331 शोज मिले थे जिसके अंदर 14% की ऑक्यूपेंसी थी। बैंगलोर से लगभग इसको 343 शोज मिले थे एंड जिसके अंदर लगभग 14.5% की ऑक्यूपेंसी थी। अगर बात करता हूँ हैदराबाद, गाइस हैदराबाद में से काफी जबरदस्त क्रेज था, सो वहां पे इसको सिर्फ और सिर्फ 189 शोज मिले थे एंड उसके बावजूद 28% की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब हैदराबाद वालों ने काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आमिर खान का स्वागत किया। अगर बात करते हैं कोलकाता, सो गाइस कोलकाता में लगभग इसको 270 शोज मिले थे जिसके अंदर 12% की ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल। अगर बात करता हूँ अहमदाबाद, सो गाइस अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे 381 शोज थे एंड उसके बावजूद मूवी को लगभग 24% की ऑक्यूपेंसी मिली थी। एंड इसी के साथ लाल सिंह चड्ढा मिस्टर आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फर्स्ट डे यहाँ पर इंडिया में नेट कलेक्शंस करते हुए दिखाई दे रहे अराउंड 12 करोड़। यस गाइस 12 करोड़ मूवी का फर्स्ट डे का नेट इंडिया कलेक्शन आ रहा है। और बात करता हूँ ग्रॉस क्या कलेक्शन था, जो मूवी यहाँ पे इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही 14 करोड़ और वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर मूवी ने फर्स्ट डे कलेक्शन करते हुए दिखाई दे लगभग 15.75 करोड़। मूवी ने यहाँ पे फर्स्ट डे ग्रॉस वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर 15.75 करोड़ की कलेक्शंस की। 3 लैंग्वेज के अंदर मूवी है लेकिन जो मैक्सिमम लगभग 99% जो कलेक्शंस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं हिंदी साइड से और बाकी तमिल तेलुगु तो सिर्फ नाम मात्र कलेक्शन आ रहे हैं। सो देखते हैं मूवी के गाइज आज यानी डे टू के क्या प्रोडिक्शन आएंगे, क्या कलेक्शन आएंगे, क्या ऑक्यूपेंसी आएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो अपडेट्स के लिए। बाय बाय।